मैं नीतू सिंह, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए आगे की खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। आखिर कौन सुनेगा गरीबों के दर्द। जी हां, मिर्जापुर के ग्राम पंचायत पठान पट्टी अंतराम पट्टी में अभी तक ऐसे गरीब हैं कि जो कि आवाज के लिए दर दर भटक रहे हैं, और उज्ज्वला योजना में भी अभी तक उन लोगों को गैस मुहैया नहीं करा पाया, जिसमें लोग लकड़ी पर खाना बना रहे हैं, जो अपनी जुबान से सब कुछ कह रही है। उसमें कुछ विकलांग भी हैं जिनको सरकार की योजना से वांछित होना पड़ रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आयुष्मान कार्ड के लिए भटक रहे हैं, जिस पर ना तो कोई अधिकारी, ना कोई विधायक और ना कोई सांसद ने ध्यान दे रहे। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता अश्वनी कुमार मिश्रा की। आप अपना नाम बताइए, या ये कौन सा ग्राम है, ग्राम का नाम भी बताइए और ग्राम प्रधान का भी नाम बताइएगा। आपको गांव का नाम अंतराम पट्टी पंडितपुर पठान पट्टी हो, और आपका नाम पंचूलाल पंचू। आपको आवास मिला है? नहीं सर। शौचालय? शौचालय मिला है, सबको मिला है। अच्छा, आवास के लिए प्रधान के पास गए थे? गए थे, कहे थे अभी ये निर्बल गांव है, जो है कि आवास नहीं मिलेगा। आवास नहीं मिलेगा? हाँ। ये आपकी पत्नी है? हाँ सर। आप अपना नाम बताइए। सुदेवी। सुदेवी। आवास वास मिला है, गैस वैस आपको? नहीं ना गैस ना आवास कुछ नहीं मिला। प्रधान जी के पास गई थी आप? गए तो रहे हैं। क्या कहें प्रधान जी? प्रधान जी कहें निर्मल गांव हो, जब आए तब ना का पता। ये आप देख लीजिए, अनंतराम पट्टी ग्राम सभा है, ब्लॉक सिटी है, जो कि अभी ये सब गरीब वंचित हैं आवास से भी, और जो है प्रधान हैं, गैस जो है अभी तक इन लोगों को भी नहीं मिला हुआ है। अब ये देखिए, ये कितना इन लोगों के पास है, अपना कच्चा मकान में रह रहे हैं। ये देखिए आप लोग, अभी यहाँ के बहुत से लोग जो है वंचित हैं आवास, शौचालय और गैस, आयुष्मान कार्ड के लिए भी दर दर के भटक रहे हैं। अभी तक इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिला है। स्मार्ट कार्ड तो आज तक देते रहे, 100 रुपया ले लिए हैं। आप आइए इधर, आपका क्या नाम है? श्यामलाल। आप अपना नाम बताते हुए अब पूरा जो है बताइए। ए स्मार्ट कार्ड 100 रुपया ले लिए, नहीं दिए यहाँ, न तो शौचालय अभी तक हमको नहीं मिला है, न तो आवाज दिए है। ये कौन सा ग्राम सभा है? ये पठान पट्टी है, अनंतराम पट्टी ग्राम सभा है। प्रधान का नाम बताइए। रेखा देवी। रेखा देवी। हाँ। आप कभी प्रधान के पास गए थे? प्रधान पास जाते हैं, सुनते नहीं, उनका प्रतिनिधि मिश्रा है, वही करते हैं। और वो कुछ नहीं देते हैं, जो पैसा देता है उसी के देते हैं और किसी को नहीं देते। गैस वैस ये सब कुछ नहीं मिला है अभी तक। शौचालय तक भी नहीं मिला है? हम एक शौचालय तक नहीं मिला है। आप अपना नाम बताइए माता जी। मालती। आपको क्या सुविधा मिली है सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला है। कोई सुविधा नहीं मिला हुआ है? नहीं। चलिए, ये आपका हर अधिकारी के पास पहुंचाया जाएगा। आप देख लीजिए, इन लोगों को अभी तक कुछ सरकार की तरफ से कोई सुविधा इन लोगों को नहीं मिला हुआ है। ये ग्राम अनंत पट्टी है, पठान पट्टी, ग्राम सभा अनंत राम पट्टी। निकाला 500 रुपया, 500 निकाला, चलो चलो वहाँ बोला है, 500 निकाला, 500 निकाला, आए तो
ये आप देख सकते हैं लोगों का कच्चा मकान है, यहाँ एक शौचालय दिखाई दिया हुआ है। आइए लोगों से पूछते हैं, प्रधान की तरफ से कुछ सुविधाएं लोगों को मिल रहा है? कुछ नहीं सर। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? सच्चे लाल। कौन सा ग्राम सभा है? प्रधान पट्टी। कोई सुविधा प्रधान की तरफ से मिला है? कोई नहीं। प्रधान के पास आप गए थे? अरे बनाए दिए जाए तो क्या बोले प्रधान जी? अरे मिल रहा है, मिलते इतना ही कायदा निर्मल का बहुत यहाँ कुछ ही सुविधा बा बोला। गैस मिला हुआ है? नहीं। ये आपकी पत्नी है? हाँ। आप बताइए गैस मिला हुआ है कि नहीं आपको? आयुष्मान कार्ड? कुछ नहीं। ये देख सकते हैं, ये पन्नी लगा करके खपड़ैला मकान है, कच्चा मकान है। ये सब अपना किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है इन लोगों को। आप अपना नाम बताइए बहन जी। सरिता नाम। आपके पति का क्या नाम है? कन्हैया लाल। ये कौन सा ग्राम सभा है? पंडितपुर पंडित दांत बावत। आप प्रधान के पास गई थी? हाँ, रेखा दीदी के पास। हम तो साहब भी धवा हम के कुछो नहीं मिले। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी कितने महिलाएं खड़ी हुई हैं। यहाँ भी जो है कच्चा मकान और खपड़ैला है, अभी तक इन लोगों को गैस तक नहीं मिला हुआ है। आप देख सकते हैं। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? आपके पति का क्या नाम है? ये कौन सा ग्राम सभा है? प्रधान का क्या नाम है? आपको गैस मिला है? नहीं। आयुष्मान कार्ड? नहीं। आप बताइए क्या नाम है? क्या गैस वैस मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है, वृद्धा है कि विधवा नहीं मिला है। अभी विधवा पेंशन भी नहीं मिल रहा है? प्रधान की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला है? चलिए आपका बात हर जगह पहुंचाया जाएगा। हाँ, आप इसको देख लीजिए। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिला है। आप बताइए अपना नाम। सुलेखा। आपके पति का नाम? नाना। गैस वैस मिला है आपको? शौचालय? नहीं। आवास? नहीं। कोई नहीं। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? कौन सा ग्राम सभा है? प्रधान की तरफ से कोई सुविधा? देखिए इन लोगों को अभी तक प्रधान की तरफ से, सरकार की तरफ से इतना सुविधा हुआ है, लेकिन अभी ये सब एकदम वंचित हैं। अभी तक कोई सुविधा इन लोगों को नहीं मिला हुआ है। एक पंचवर्षीय बीत गया है मोदी सरकार का, ये दूसरा चालू है। अब देखिए इन लोगों को दूसरे में मिलता है या नहीं। फास्ट न्यूज इंडिया से सुनील कुमार मिश्रा, ब्यूरो चीफ मिर्जापुर। आगे की खबरों के लिए बने रहिए, तब तक लेते हैं छोटा सा विराम। समझौता क्यों, आज ही सबसे बढ़िया जनरेटर लाए ईचर इंजन्स। संपर्क करें 9649912120 9838766078। फ्री पत्रिका बांटे, 1,000 से 1,00,000 मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें fastnewsindia.co पर एवं संपर्क करें 9454194001 एवं 03 एवं 06 एवं 07 पर भी। निमंत्रण पत्र, संत कबीर साहिब जी का 621वां प्रकट दिवस सत्संग समारोह एवं विशाल शोभा यात्रा। पता, सत्य पंथ आश्रम नजदीक बाईपास तालाब रोड झंझर हरिद्वार। देखरेख संत इंद्रमणि साहिब जी के परम सेवक संत सुरेंद्र दास जी महाराज। संकल्प ट्यूटोरियल्स, आईआईटी जेईई नीट 9th, 10th, 11th, 12th, टीईटी, एसएससी, बैंक, रेलवे। संपर्क करें 9335418689 एवं 9335720660 पर। दुबले पतले लड़के लड़कियां बच्चे सेहत व वजन बढ़ाएं, बिग योर क्लिनिक
लखनऊ लेखराज मार्केट 1 इंदिरा नगर 9839022550। Unsuccessful students 9th, 10th, 11th and 12th. Any board, save your ears. NIOS, National Board of Government of India, New Horizons, opposite PDR Mall, Laksa, Varanasi. Contact on 7376061000 and 9451373839. इन्हीं लोगों की तरह फ्री पत्रिका बांटें, 1,000 से 1,00,000 मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट fastnewsindia.co पर लॉगिन करें और कॉन्टैक्ट करें 9454194001 पर या 03 पर या 06 पर या 07 पर। अरे यार, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ज्वेलरी की शॉपिंग कहाँ से करूँ? सारे डिजाइनर शोरूम तो शहर में हैं। बिल्कुल नहीं, अब तो तू शॉपिंग पांडेपुर से ही कर सकती है। मैंने अभी अभी अपनी शादी की सारी शॉपिंग हरे कृष्ण ज्वेलर्स पांडेपुर से ही की है। अरे भैया, गाड़ी जरा लालपुर रोड की तरफ मोड़ना। जी हाँ, अब वरुणा पार के लोगों के लिए भी श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स लेकर आए हैं सोने चांदी और हीरे के डिजाइनर ज्वेलरीज लालपुर रोड पांडेपुर वाराणसी में। जी मम्मी, भैया की शादी की ज्वेलरी कहाँ से ले रही हो? वही तो सोच रही। क्यों, हरे कृष्ण ज्वेलर्स है ना, वो भी घर के पास महमूरगंज में ही। अब सारी मनपसंद ज्वेलरी वही मिल जाएगी। पूरे शहर की खाक छानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स का नवीनतम शोरूम अब महमूरगंज वाराणसी में भी। सोने चांदी व डिजाइनर ज्वेलरी का विशालतम शोरूम अब आपके बिल्कुल पास। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स की ट्रेडिशनल व डिजाइनर ज्वेलरीज अब आपके बिल्कुल पास, लालपुर रोड पांडेपुर एवं महमूरगंज वाराणसी में, जहां है आपकी पसंद के लेटेस्ट कलेक्शन, वो भी एक से बढ़कर एक। धरने पर बैठे विद्यार्थी, जी हां, प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में लोक सेवा आयोग पर धरने में बैठे हुए विद्यार्थी आज उत्तर प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2018 में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के कारण इसे रद्द करने की मांग की और लोक सेवा आयोग पर भारी संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सिविल जज जूनियर परीक्षा 2018 में हुए भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के कारण आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की। की मेंस में मैं अपीयर हुआ था, लास्ट टाइम भी हुआ था 2016 की वैकेंसी में। इस बार कई अनियमितताएं पाई गई, जिसमें मतलब आयोग की प्रासंगिकता पर क्वेश्चन मार्क है। पहला ये कि आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर और जिस प्रिंटिंग प्रेस पर आपका पेपर छपता था, दोनों लोग मतलब जेल की सलाखों के लिए, और इन्हीं के कार्यकाल में हमारा जो मेंस का पेपर हुआ था वो ऑर्गेनाइज हुआ था, तो हम ये कैसे मान लें कि इन्होंने इसमें फेयर प्रोसीजर मतलब फॉलो किया है, पहली चीज। दूसरी चीज की ये है कि आपने रिजल्ट इतने आनंद फारन में क्यों निकाल दिया, जबकि आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो नए कंट्रोलर थे वो 15 तारीख को अपॉइंट हुए हैं, आपने 13 को ही क्यों निकाला, मतलब 13 को ही क्यों रिजल्ट निकाल दिया मेंस का? क्यों? क्योंकि अगर इसमें आपके जो नए कंट्रोलर है वो उसमें सिग्नेचर नहीं करते, क्योंकि आपका रिजल्ट में गड़बड़ी है। तीसरी चीज की आपके कई रोल नंबर जो है वो सीरियल नंबर से है, और मतलब जिसमें मतलब 12 से 15 लड़के, ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 12 से 15 लड़के एक सिटिंग प्लान में पीटी में बैठे हैं और वही मेंस में बैठे हैं और सारे सेलेक्ट हुए। तो हमारी ये डिमांड है इनसे, हमारी ये डिमांड है कि इस परीक्षा को चाहे वो प्री स्टेज से ही कैंसिल करना पड़े, हम चूंकि तैयार हैं, हम हर स्टेज के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, बस फेयर और पार्शियलिटी होनी चाहिए। दिल्ली की एक कोचिंग का लगता है। आपका नाम? पवन त्रिपाठी। आप क्या हैं? मैं एडवोकेट हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं यहाँ पे स्पेशली अपना विरोध जताने के लिए इलाहाबाद आया हूँ। 28 मई को यहाँ पे लोकसभा, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग में एसटीएफ ने छापा मारा। 30 तारीख को अंजू कटियार जो परीक्षा नियंत्रक है यहाँ से गिरफ्तार हुई। उसके बाद जब न्यूज आई तो पता चला कि एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है उसका पेपर आउट था, और पीसीएस का परीक्षा जो परीक्षा पेपर था वो जो है छपने से पहले आउट हुआ। तो हम ये क्यों ना माने कि वो छापा पड़ने के पहले हमारी जो परीक्षा हुई है वो संदेह के घेरे में नहीं है, हमारी परीक्षा का भी आउट हुआ होगा पेपर। इसको हम पूरी तरह से मान के चलते हैं और पूरी तरह से आश्वस्त है कि पीसीएस परीक्षा, पीसीएस जे परीक्षा 2018 का पेपर भी यहाँ से आउट हुआ है।
आपका नाम? इसलिए ये नहीं माना जा सकता है कि वो जो है परीक्षा होने के बाद यहाँ पे एसटीएफ ने छापा मारा। अगर छापा मारने के बाद तो परीक्षा सामने आती है कि इनका पेपर आउट हुआ है, तो हमारी परीक्षा का कैसे आउट नहीं हुआ है? मेरा नाम ब्रजेश कुमार पटेल है। परीक्षा को पूरा निरस्त करना चाहिए। मैं स्वयं इससे पहले इंटरव्यू दे चुकी हूँ और वो भी जनरल में फाइट करके। इस बार मेरा ये अंतिम प्रयास था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं हुआ। और जिस तरह से आनंद फानंद रिजल्ट निकाला गया, उससे ये ठीक प्रतीत होता है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई और इससे बच्चों का भविष्य गर्त में है। और यहाँ पर पुराने अभी भी लोग अनिरुद्ध यादव जैसे लोग बने हुए हैं, इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। क्यों ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर के आने के पहले इसका रिजल्ट जारी किया गया, इस पर ये बड़ा सवाल है। और मैंने इसकी कंप्लेन प्रेसिडेंट को, सीएम को, प्राइम मिनिस्टर को, सीजीआई को, सबको फॉरवर्ड कर दी है। लेकिन यहाँ जो कि मेरे भाई बहन है, इसलिए मेरा आना आवश्यक था, इसलिए मैं आगे खड़ी हूँ और मैं इस आंदोलन में अंत तक रहूँगी। आपका नाम? शिवानी त्रिपाठी। खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ।